अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जी, सुबह के बजे हैं 9, बच्चे चले गए स्कूल, जो ड्यूटियों पर जाने वाले थे ड्यूटी पर चले गए, और बेबी यहाँ पर फर्श धो रही है किचन का। और तो मैंने कहा कि भाई चलो तुम भी जो है अब काम करो, तो मैंने भी काम करने की आज ठान ली है। वो बताती हूँ कि आज हम दोनों क्यों काम कर रहे हैं, आगे चल के बताती हूँ। तो मैंने भी उठा लिया है ये जाले उतारने वाला ब्रश, तो लाइटों पर, फैंस पर, दीवारों पर, छत पर और दरवाज़ों पर इतने जाले जम गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको उतार देती हूँ। तो वही मैं काम कर रही हूँ अभी। तो जी, अभी दिखाती हूँ ये मौसम, सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं और हवा भी लग रही है, बादल छाए हुए हैं, कोई धूप नहीं है। और जो है सफाई कर रही हूँ, झाड़ू उठाने आई हूँ। ये हमारा गैरेज है, उस दिन मैंने दिखाया था ये दरवाज़ा। बस बंदा जब खुद काम नहीं करता है तो फिर घर की यही हालत हो जाती है। तो चलते हैं, क्योंकि लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, अब उसको हम जवाब दे रहे हैं कि जब तुम ठीक हो तो फिर आना। ये एक हफ्ता छोड़ के फिर 2 दिन आती है, एक हफ्ता छोड़ के फिर आती है। तो मैंने कहा नहीं, बस हम खुद ही काम करेंगे जब तक वो ठीक हो जाए। तो चले जी, ये रूटीन है मेरी, सुबह से स्टार्ट है। तो जी, सारे घर की सफाई हो गई, मैंने और बेबी ने जो है पूरा साफ़ कर लिया। बेबी ने किचन भी धोया और बाहर सहन भी, बाकी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह, जाले उतारना, सब ये मैंने किया। पंखों को साफ़ किया और बस ये बेडरूम हमारा जो है ये अभी रहता है झाड़ू के लिए और पोछे के लिए। बाकी उसकी भी मैंने खिड़कियाँ वगैरह सब खोल ली हैं ताकि रोशनी और हवा क्रास हो। और इस रूम में हस्बैंड सोया हुआ है, इस वजह से सफाई नहीं की। तो अभी मैंने बेबी से कहा है कि जब उठे अंकल तो फिर सफाई कर देना। और अब मैं वाशरूम वगैरह साफ़ करके और ख़ुद रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। काफ़ी टाइम के बाद मैंने की है सफ़ाई, तो बहुत ही मुश्किल लग रही है। तो जी, ये है आज थर्सडे की ये रूटीन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बच्ची जो है हफ्ते में एक बार आती है और पैसे वही कंप्लीट लेती है, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो हम कहते हैं कि आप पहले अपना इलाज करवाएं, और कोई और मासी हमें रख कर दे तो वो भी नहीं कर रही है। कह रही नहीं, ये मेरा घर है, मैं किसी को नहीं करने दूँगी। मैंने तुम भी नहीं कर रही हो तो किसी को करने भी नहीं दे रही हो। उनको कहो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना घर ले लूंगी, आके काम करूंगी ये। अब देखते हैं क्या होता है, मैं तो चली जाऊंगी स्कूल, बेबी उनसे बात करेगी। और मोहम्मद अरीशा आज घर में इसलिए नहीं गए कि इसको उल्टियां हो गई थी, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था जो मैं दूध लाई थी तो उसमें केमिकल की जो है स्मेल थी, लेकिन हम में से किसी ने चाय नहीं पी, सिर्फ इसने पी थी। तो इस वजह से इसको बहुत सारी रात को उल्टियां आई थी, तो पेट में भी दर्द था, इस वजह से ये स्कूल आज नहीं गया अरीश। तो इसको आज रेस्ट करवाई है। देखिए जी, अगर हम खुद काम करते हैं घर में तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, और जब हेल्पर काम करती हैं तो सारे घर को, वॉशरूम वगैरह, सिर्फ 1 घंटे में जो है वो काम कर लेती हैं। तो काम भी वैसे ही करती हैं। आज जो मैंने काम किया तो मुझे अंदाज़ा होगा कि 3 घंटे लग गए मुझे और सफाई करते हुए। और उस वो बच्ची जब काम करती है तो 1 घंटे में सारे घर को जो है साफ़ कर लेती है। तो यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया है, 12:35 हो गए हैं, और हस्बैंड भी बाइक बाहर लेकर आए हैं, मोहम्मद अरीश मेरा खाना यहाँ पर लेकर आए हैं। खाने में आज है निहारी, वो मैं आज लेकर जा रही हूँ।
और ये देखें हमारा गार्डन, देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है परिंदे परिंदों के साथ है। यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था और सब ने मंगवाया था आज पेशावरी फालूदा, तो ये सब हम खा रहे हैं यहाँ पे पेशावरी ये फालूदा है। किसी ने आइसक्रीम मंगवाई, किसी ने ये फालूदा मंगवाया, लेकिन मुझे आदत है चाय पीने की, तो चाय आज मिली नहीं, इस वजह से ये मंगवाया। और ये है रात का खाना, वही नहारी है दोपहर वाली। तो जी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, तो सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला अब न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। खुशियाँ बांटें, खुश रहें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, हर किसी की सपोर्ट करें, चाहे वो सपोर्ट कैसी भी हो। अल्लाह हाफिज़।